हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ जुनैद अशरफ और बेसिकली मैं आसफ़ भाई के पास ही मौजूद हूँ। बकरियाँ, बच्चे, माल, हर चीज़ मैं आपको चेक करवा चुका हूँ। रेवड़ में भी इनका माशाल्लाह माल होता है हमारे में। कुछ जानवर इन्होंने अपने घर में रखे हुए हैं, तो ये बेसिकली अभी बच्चों की मिल्किंग करवा रहे हैं। तो इनसे डिटेल लेंगे कि एक बच्चे को जो फीडर या जो भी सीन है वो कितने पिलाते हैं। ठीक है, इनके गुण में पूछा। अच्छा जी, बेसिकली ये छोटा भाई, उस बकरी का हमने जब दूध निकाला था ना, वो ये दूध पड़ा है, तो ये इन बच्चों को दूध पिला रहा है। तो इससे पूछेंगे कि पर बच्चे को कितने फीडर पिलाता है। अच्छा छोटे भाई, इधर ना देखो, दसो ज़रा हूँ, एक बच्चे ने किन्ने फीडर पिला रहे जे? ये 3-3 फीडर पी जाने। एक एक बच्चा, ठीक है जी। अच्छा जी, फीडर की आ लेंथ है जी, एक एक बच्चा 3-3 फीडर पी जाता है। अच्छा, इन्होंने तुम बकरी थले क्यों नहीं पिलाते? बकरी थले निके पीते नहीं सही। ठीक है जी, फीडर तो सही तो नहीं पीते फीडर के लाग। इनके हूँ फीडर थले लग गए ने, फीडर से पीते हैं। अच्छा, इन्हें उम्र किन्नी किन्नी होनी बच्चों की? होने दिन 5 तो 6 दिन की, इस ज़्यादा गरंटी ना नहीं है जी, क्योंकि उन्होंने मामा मैं चेक करवा चुके हैं, तुम्हें उन्होंने मगर मैले उ लगे हुए हैं। अच्छा, टोटल किन्ने बच्चों तुम दो चुकाना है जी फीडर ना? छियां फीडर ना पिलाते जी। अच्छा, हूँ जी बकरी थलो अपना नागरी थलो दो चोया सी, वो किन्ने बच्चों पूरा आंदा है? तिना कर दें दी। उन्दे अपने बच्चे किन्ने उस बकरी दे? उस ते दो ने जी, तो तकरीबन तिना कर दें दी, क्योंकि माशाल्लाह अच्छी दूध देने वाली बकरी है। ठीक है जी, हम रज चुके इन्होंने होर चुकाना है? इन्हें चुकाना ले। चलो पाओ फिर उधरों। मैनू उधर बनेगा क्या? अच्छा, ये नागरे में है माशाल्लाह, ठीक है। और ये थोड़ा सा ब्लैक डब्बा कह सकते हैं, थोड़ा सा चीने में आ चुकी है ये पाठ, और वो भी पाठी है तकरीबन। ठीक है, अच्छा जी, इन्होंने पिला के जरा चेक करवाओ हूँ। अच्छा जी, तो छोटा भाई बच्चे को दूध पिला रहा है, फीडर तकरीबन इसने फुल करके दिए। अच्छा, इन्हों किन्नवा फीडर पिला रहे, पहला, दूसरा या तीसरा? तीसरा पिला रहे। अच्छा, तीसरा पिला रहे। अच्छा, तीसरा पीने तो बाद अगर फिर पीवे दूध, फिर पिलाओगे या नहीं पिलाना? जी फिर नहीं, ज्यादा भूख लग जाएगी। ठीक है, मेरे को ज़्यादा नहीं पिलाना, सिर्फ फिक्स किए हुए 3-3। अच्छा जी, तो एक एक महीने या 15-20 दिन के हो गए, फिर फीडर तुम बधाओगे इन्ने इन्ने रखने हैं? बता देंगे जी जी, इनकी ये कह रहे हैं कि जब ये तकरीबन 15-20 दिन की उम्र इनकी हो जाएगी ना, तो ये इनका जो दूध है वो एक एक फीडर के लिहाज से मज़ीद इंक्रीज़ कर देंगे। अभी दो बच्चे इस साइड में बैठे हैं, ठीक है बच्चे, मैं आपको इनकी लास्ट वीडियो में चेक करवा चुका हूँ। बाकी इनका माल अभी छत पर आस भाई का, ठीक है, कुछ बच्चे माँ के नीचे भी, इनके बकरियों के नीचे भी दूध ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये फीडर पर ही मीन के पाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा इन्होंने स्टार्ट से मीन के जो फीडर से तुम लाया सी, यहाँ पे पीने लग गए सी, ये थोड़ी जी मुश्किल हुई सी जे एना मोड़े था ना फीडर आज, तो जल्दी पीने लग पे पोल ले सी। ठीक है, बकरी थोड़ा मुश्किल आप बकरी से लेनी सी, देखते हुए लग गए। ठीक हो गया, बेहतर हो गया। अच्छा, हमने बकरी थले पीन गए भी नहीं? नहीं, हमने पीने। बेहतर हो गया जी। अच्छा जी, तो मैं वीडियो एंड करता हूँ, नंबर मैं आपको आसफ़ भाई का ही बोल देता हूँ, क्योंकि हमारे साथ ही होते हैं, तो आप रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि मैं बता चुका हूँ इन बच्चों की सेल परचेज़ वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि अभी ये छोटे हैं। ऐसा कर सकते हैं कि इनको सेल कर देंगे, लेकिन 3 माह इनकी जो माएँ हैं ना, उनके नीचे इनको दूध वगैरह बंदा पिला देता है, यानी कि पिलाई वाला सीन हो जाता है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से ना अरेंज कोई कर सकता है। बाकी अभी छोटे हैं, इनको क्या किसी ने परचेज़ करना और सेल करना। ठीक है जी, तो वीडियो एंड करते हैं जी, नंबर मैं बोल देता हूँ, 0307-7573-972। ठीक है, आसफ़ भाई के नंबर हमारे साथ ही होते हैं बेसिकली ये। तो वीडियो एंड करते हैं जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।